नमस्कार, बांग्लादेश के गोपालगंज से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं शंखनाद का ये स्पेशल रिपोर्ट सीधे ग्राउंड जीरो से। आपको बताते चले, गोपालगंज में हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि ये यहां के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थली है, ये गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर उनकी 100वीं जन्म शताब्दी का जश्न भी मनाया जा रहा है। न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे बांग्लादेश में जोर शोर से इसकी तैयारियां भी की गई हैं और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले, आजादी के 50 साल सेलिब्रेट कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे की अहमियत क्या है, साथ ही नरेंद्र मोदी को लेकर यहां पर क्या की गई हैं तैयारियां, ये सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अपने आप में बांग्लादेश का ये दौरा पीएम का इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 26 के अलावा 27 तारीख को जब वो बांग्लादेश के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे, जब बतुआ समुदाय को करेंगे संबोधित, उसी समय पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के लिए 30 सीटों पर डाले जा रहे होंगे वोट। इसके राजनीतिक मायने भी किस तरह से निकाले जा रहे हैं उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जमीन बांग्लादेश की होगी मगर मैसेज बंगाल के लिए होगा, मंच बांग्लादेश में होगा मगर बातें बंगाल के लिए होगी। जिस वक्त पूरे देश की नजर बंगाल पर है, देश की पूरी सियासत बंगाल के इर्द गिर्द घूम रही है, चारों ओर चर्चा बंगाल की है, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर। जी हाँ, पूरे 497 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाने वाले हैं। 26 और 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में रहेंगे। मौका है बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष का। बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल बना रहा है और इसी खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के बेहद खास मेहमान होने वाले हैं। लेकिन उनके इस कूटनीतिक यात्रा के राजनीतिक मायने क्यों निकाले जा रहे हैं ये भी अपने आप में बेहद खास है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर तैयारियां किस तरह से की गई हैं जरा तस्वीरें देखिए। आपको बता दें, 3 बड़े कारणों से फोकस में है प्रधानमंत्री की 26-27 मार्च को होने वाली ये यात्रा। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह है। दूसरा, बंगबंधु, मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखाएं पवन आपको, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है। और तीसरा, भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का ये 50वां वर्ष है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। कोरोना काल में बांग्लादेश को भारत अब तक 90 लाख कोरोना वैक्सीन मुहैया करा चुका है और इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि ये मुल्क हमारे लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव और इसी वजह से 26 और 27 मार्च को प्रधानमंत्री की इस यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के यहां पर कई बड़े कार्यक्रम हैं। कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा का महत्व आप इस तरह से समझिए कि जिस रोज मोदी बांग्लादेश में होंगे उसी रोज बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान चल रहा होगा। नरेंद्र मोदी के इस बांग्लादेश दौरे का कूटनीतिक महत्व तो जो है सो है, लेकिन इस दौरे से जुड़ी सियासत ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल पीएम मोदी यहां मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर के ओरकांडी मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन इसी ओराकांडी स्थित ये गोपालगंज इलाके का हिस्सा है, यहाँ पर हरि मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी कारणों की वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बिल्कुल सामने आपको बता दें हरिचंद ठाकुर की प्रतिमा है, वहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर आकर पूरे के पूरे मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। 3 करोड़ की बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है और तकरीबन इतनी ही आबादी इस बांग्लादेश की धरती पर रहती है। यकीनन मतुआ समुदाय को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2021 में ये समुदाय क्या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा या फिर टीएमसी के पक्ष में। पीएम मोदी का बरिसाल जिले में सुगंधा शक्तिपीठ भी जाने का प्रोग्राम है। 51 शक्तिपीठों में से ये एक माना गया है, ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी कुसतिया में रविन्द्र कुटी बारी भी जा सकते हैं। पीएम के बांग्लादेश दौरे को लेकर बांग्लादेश में मतुआ समुदाय खुश है। बांग्लादेश के गोपालगंज के ठाकुरबाड़ी में इस वक्त है मतुआ समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, इनसे बातचीत करते हैं। खुश है मोदी जी के आने से? हाँ, हमारा खूब खुशी, भारत के प्रधानमंत्री आज से खूब आनंदित।
आनंद है, आपको भी आनंद है? तो आनंद है। और क्या चाहती हैं? देखिए महिलाएं हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, मुस्कुराकर भी बहुत सारी बातों को कहती हुई। प्रधानमंत्री यहां पर आने वाले हैं दर्शन करने के लिए हरिचंद ठाकुर जी के। कैसा लग रहा है इस पूरे इलाके में भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार आएगा जो यहां पर पूजा अर्चना करेगा? আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই যে প্রথম মানে বাইরের কোন রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের বাংলাদেশে আসতেছে এবং তিনি আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পূজা করবেন, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। আনন্দে খুশি আপ লোগোঁকো ভি? অবশ্যই খুশি, যেহেতু সম্মানের দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম আমাদের দেশে আসতেছে এবং আমাদের হরিচাঁদ মন্দিরে পূজা দেবেন, আমরা খুবই আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত। दरअसल ये तमाम जगहें और नाम ऐसे हैं जिनका बंगाल से गहरा नाता रहा है और माना जा रहा है कि पीएम मोदी होंगे तो बांग्लादेश में, मगर उनकी नजर में रहेगा बंगाल ही। देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी बांग्लादेश के मंच से कौन सा सियासी दांव खेलते हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को जाने वाले हैं दर्शन पूजन के लिए मतुआ समुदाय के बेहद खास मंदिर। आपको बताते चले, इस मंदिर में मतुआ समुदाय के लोगों की अगाध आस्था है और यहां पर दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन और पूजन करने के लिए। लेकिन सियासत की धुरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल? साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतुआ समुदाय के मंदिर में जाकर पश्चिम बंगाल की जनता को क्या कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं? उनकी इस यात्रा के, मंदिर जाने के क्या है राजनीतिक मायने? और इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान के मजार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वहां पर पुष्प अर्पित करने के लिए, क्योंकि 100वीं जयंती बांग्लादेश मना रहा है। इन सब कार्यक्रम के क्या है राजनीतिक मायने, किस तरह से सियासत भी इसमें ढूंढी जा रही है, अब उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सज रहा है बांग्लादेश, तैयारियां पूरी हैं, होर्डिंग बैनर पोस्टर लग गए हैं, बांग्लादेश बेकरार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान साहब की जन्मस्थली पर हम आ चुके हैं, यहीं पर उनके मजार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को यहां पर आएंगे और उनके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से होर्डिंग्स यहां पर लगाई गई हैं, यकीनन प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दो दिनों का ये काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा, इसके पहले मोदी 9 मार्च को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैत्री सेतु पुल का उनकी ओर से उद्घाटन किया गया था और के बाद ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका बांग्लादेश में किया जा रहा है बेसब्री से इंतजार। पीएम मोदी का ये बांग्लादेश दौरा अपने आप में खास है क्योंकि बंगाल में चुनावी समर 27 मार्च से ही शुरू हो रहा है। पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को ही है और 27 मार्च को ही पीएम बांग्लादेश में रहेंगे। जाहिर सी बात है कि बिना कुछ कहे भी बीजेपी को वो सब मिलेगा जो बीजेपी चाहती है। पीएम मोदी ने पहले भी बांग्लादेश का दौरा किया है मगर तब वो मतुआ समुदाय के मंदिर नहीं गए थे, मगर इस बार चुनावी बंगाल है इसलिए मतुआ समुदाय पर दांव खेला जा रहा है। पीएम का मतुआ समुदाय से मिलना बड़ा सियासी संदेश तो होगा ही होगा क्योंकि बंगाल में मतुआ समुदाय का प्रभाव 70 सीटों पर है। हरिचंद ठाकुर के छठवें वंशज इस वक्त सुब्रतो ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर जो कि बीजेपी के सांसद हैं वो इनके कजिन हैं, यानी कि चचेरे भाई लगेंगे और वो उस पार हैं यानी कि पश्चिम बंगाल में और इस वक्त हम हैं बांग्लादेश में। प्रधानमंत्री का यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में बताइए जरा। अच्छा, अपनारा तो अनेक जानते पे जे हमारे देशर सुवर्ण जयंती उद्यापन उपलक्षे माननीय প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 26 তারিখে আসছেন স্বাধীনতা দিবসে এবং উনি এসে পরবর্তী 27 তারিখে তার পরের দিন বঙ্গবন্ধুর জাতির জনকের সমাধিসৌধে উনি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং তার অব্যবহতি পরেই উড়াকান্দি ঠাকুর বাড়িতে উনি এসে হরিচাঁদ মন্দিরে পূজা দেবেন। ঠাকুর বাড়ি में कितनी देर तक की पूजा का कार्यक्रम है প্রধানমন্ত্রী का? टाइम आप 15 मिनट अपना पूजा करबेन। बांग्लादेश में मतुआ समुदाय इस बात से उत्साहित है कि भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन अकेले मतुआ समुदाय की ही बात नहीं है, बांग्लादेश में पीएम का शक्तिपीठ जाने का प्लान भी है। इसे यूं समझिए कि अगर पीएम सुगंधा शक्तिपीठ जाते हैं तो हिंदू मतदाताओं में इसका सीधा संदेश जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जंगल महल की 30 सीटों पर होने वाले रण में पीएम भले ही विदेशी जमीन पर होंगे लेकिन उसका असर यही होगा।
लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो बांग्लादेश से बंगाली अस्मिता को जोड़ता है, उनमें से एक है पद्मा नदी। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे पद्मा रिवर को, इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी ये नदी है जिसको पार करने के लिए आपको बता दें इसी फेरी सर्विस का सहारा लेना पड़ता है। और सिर्फ ये छोटी गाड़ियां नहीं, मैं चाहूंगी पवन हमारे कैमरा पर्सन आपको दाहिनी तरफ दिखाएं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां भी जिसमें बस है, ट्रक है, ये तमाम गाड़ियां इस फेरी पर इस वक्त लगाई गई हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक बड़ी सी बस है जिसमें तमाम यात्री भी बैठे हुए हैं, यानी कि बस को भी एक से दूसरी जगह लगाने के लिए उसको इस फेरी सर्विस का सहारा लेना पड़ता है। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री शेख तुंगीपारा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर भी जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम यहाँ एक पौधा भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अहम कार्यक्रम होने हैं उनमें बांग्लादेश के तुंगीपाड़ा में ये वो जगह है जहां पर शेख मुजीबुर रहमान साहब का जन्म हुआ था, ये उनका घर और उनकी तमाम यादों को घर के भीतर संजो कर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ उनकी मजार भी है। आपको बता दें बांग्लादेश को मुक्त दिलाने में बांग्लादेश के वो जनक भी कहे जाते हैं और उनका लंबा संघर्ष यहाँ पर रहा है। वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी थे और फादर ऑफ द नेशन के से भी उनको नवाजा गया था, बंग बंधु की उपाधि भी उनको दी गई थी। ये दूसरी तरफ आपको देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करेंगे और अंदर ही उनकी मजार है। पीएम मोदी बांग्लादेश में करीब 36 घंटे रहेंगे। इन 36 घंटों में पीएम दोनों दिन मिलाकर 5 कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पीएम के साथ ही रहेंगी। यूं समझिए कि करीब 36 घंटे की इस यात्रा में 8 घंटे शेख हसीना पीएम मोदी के कार्यक्रमों में रहेंगी। तैयारी पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है पीएम के बांग्लादेश जाने का, तभी मालूम चलेगा कि बांग्लादेश की इस यात्रा से बंगाल के चुनावी रण पर क्या असर पड़ने वाला है। बांग्लादेश का ठाकुरगंज और गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतुआ समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में हर एक दल जी तोड़ से लगा हुआ है। वैसे तो लेफ्ट पार्टियों से रिझाने की शुरुआत हुई, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी की पार्टी के टिकट पर मतुआ समुदाय के बड़े चेहरों ने चुनाव लड़ा, लेकिन अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। आपको बताते चले पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति में 50% आबादी इसी मतुआ समुदाय की है और 70% सीटों पर ये अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। यही कारण है कि मतुआ समुदाय को लेकर लगातार राजनीतिक दलों के एक एक कदम को जोड़कर देखा जा रहा है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि बांग्लादेश की धरती से क्या पश्चिम बंगाल के मतुआ मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावित कर पाएंगे, बीजेपी के इसके पीछे की क्या है रणनीति, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये वोट बैंक की सियासत, ये तुष्टिकरण की राजनीति, जाति धर्म समुदाय अमीर गरीब भाषा क्षेत्र सबको सियासत की आग में सेंका जाता है। चुनाव के लिहाज से समीकरण तैयार किए जाते हैं। अब बैटल ऑफ बंगाल है और सियासी खींचतान मतुआ समुदाय। बंगाल में मतुआ समुदाय से जुड़ी एक बड़ी आबादी रहती है, ये राज्य की कुल अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में अनुसूचित जाति 23.51% है। अनुसूचित जाति की आबादी 1,80,00,000 के करीब है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 50% मतुआ मतदाता हैं। ये बंगाल की 70 सीटों पर असर रखते हैं। बंगाल की सियासत में मतुआ समुदाय के महत्व को इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय की 100 साल की बीना पानी देवी से मिलने पहुंचे थे और उनका आशीर्वाद लिया था। बीना पानी देवी को मतुआ समाज में बोरो माँ के नाम से जाना जाता था। जब बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल बना तो एक बार फिर बीजेपी ने बनगांव को चुना। पिछले साल नवंबर में अमित शाह मतुआ समुदाय के मंदिर में दर्शन किए, परिवार वालों से मिले, घर में खाना खाया और यहाँ के लोगों के लिए वादों का पिटारा खोल कर गए। दीदी भी मतुआ समुदाय के वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती। अमित शाह के दौरे के अगले ही महीने ममता बनर्जी ने बेतगांव का दौरा किया और मतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचकर उनका दिल जीतने की। माना जाता है कि पहले ये समुदाय लेफ्ट को समर्थन देता था, लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतुआ महासभा का भी बड़ा हाथ रहा, लेकिन लेफ्ट के शासन में उन्हें विकास नहीं मिला।
जिसके बाद ममता बनर्जी ने मथुरा के वोट बैंक में सेंध लगाई। ममता ने पहली बार इस समुदाय को एक वोट बैंक के तौर पर विकसित किया। वो ममता ही थी जो पहली बार बोडो माँ के परिवार को राजनीति में लेकर आई। साल 2014 में बीना पानी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। साल 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन के बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ये सीट जीती थी, लेकिन 2019 आते आते समीकरण बदलने लगे। बीजेपी के सीसीए और एनआरसी के कार्ड ने मथुरा समुदाय के लोगों का रुख कमल की तरफ खिसका दिया। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। इनमें 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के आसपास आने वाली 40 सीटों पर मथुरा समुदाय का सीधा असर है। दरअसल मथुरा समुदाय के लोग बांग्लादेश से बंगाल आए थे, ऐसे में इनके सामने नागरिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और जब बीजेपी ने नागरिकता कानून का ऐलान किया तो समुदाय ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया। बीजेपी ने बोडो माँ के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर को बीजेपी में शामिल किया। 2019 में बीजेपी ने मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बनगांव से टिकट दिया और वो जीत कर सांसद बन गए। अब मोदी के बांग्लादेश दौरे में सांसद शांतनु ठाकुर भी साथ में नजर आ जाएंगे। चुनावी मौसम में टीएमसी से लेकर बीजेपी तक हर कोई मथुरा समुदाय को खींचने की कोशिशों में लगा हुआ है। मथुरा समुदाय से जुड़े कई ऐलान राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं। ममता ने मथुरा समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए के एक विकास बोर्ड की घोषणा की। गौरी और बागड़ी दलित जातियों के लिए 5-5 करोड़ के अलग विकास बोर्ड भी बनाए। ममता सरकार ने 2020-21 के बजट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वृद्धों को पेंशन के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि दी। वहीं बीजेपी ने मथुरा समुदाय के लोगों को CAA के तहत नागरिकता देने का ऐलान किया। लोक गायकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भत्ता देने का वादा भी किया गया है। बंगाल के चुनाव में एम फैक्टर का जोर है। ममता, मोदी, मुस्लिम और मथुरा, जहां इस बार मथुरा बंगाल की दिशा तय करने में अहम रोल निभाने वाले हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। 26 मार्च 1971 जब पाकिस्तान के दो टुकड़े करके भारत ने दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उभार किया था। आपको बताते चले, जश्न आजादी के 50 साल बांग्लादेश के पूरे हो रहे हैं और इसी वजह से यहां पर खास तैयारियां की गई हैं। और इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश आना अपने आप में और मायने रखता है और साथ ही ये बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते अब किस तरह से प्रगाढ़ हो चले हैं। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की कहानी, जिसके बाद पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा जिसे दुनिया के नक्शे पर मुल्क का नाम, आज वही बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है। ये आजादी है पाकिस्तान के सतम से, ये जश्न है अपनी पहचान पाने का। यही वजह है कि बांग्लादेश ने अपनी आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनाया है। 1971 से पहले पाकिस्तानी हुक्मरानों ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के नागरिकों के ऊपर भयंकर जुल्म उठाए। आलम यह था कि बांग्लादेश से लाखों शरणार्थियों को हिंदुस्तान में शरण लेनी थी। 1971 की लड़ाई, पाकिस्तानी सेना का हिंदुस्तान के आगे सरेंडर और फिर बांग्लादेश का जन्म, जिसके लिए न जाने कितनों ने अपनी शहादत दी। विभाजन के दंश झेल रहे बांग्लादेश में अत्याचार का अंत हुआ। इसे दुनिया के सबसे पुराने देशों में शुमार भारत का सबसे नए देश बांग्लादेश के साथ आपसी सहयोग का एक नया युग शुरू हुआ था, जब शांति और सहयोग की आधारशिला पर मैत्री संधि की गई थी। दोस्ती का ये सिलसिला आज भी कायम है, जहां रिश्तों को और मजबूत बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बांग्लादेश के ठाकुरगंज और गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचाऊंगी मैं सीधे बांग्लादेश से, यानी कि ग्राउंड जीरो से। शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो लेकर चलेंगे आपको पश्चिम बंगाल और दिखाएंगे टॉलीगंज से चुनावी मैदान में है केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। उनका ये खास इंटरव्यू बुलेट रिपोर्टर में मेरे साथ आज तक पर जरूर देखेगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।